क्या कर रहे हैं अपने पीजी में? आई शो यू। ऑलमोस्ट 20-30 पीजी देखने के बाद ये वाला पीजी मैंने फाइनल किया था। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि पहले आप लोग ये पीजी का पूरा टूर लो, एंड अगर आप बैंगलोर में जस्ट शिफ्ट कर रहे हो ना, तो ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं फूड के बारे में बात करूंगी, क्या क्या फैसिलिटीज है, रूम कैसा दिखता है, एंड एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेंट कितना है, वो भी आपको बता रही हूँ। सो चलो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, टूर लेते हैं। सर एक चीज, जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, सच सच बताना, ठीक है? अगर आप गर्ल्स पीजी में शिफ्ट कर रहे होते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, किस बेसिस पे आप पीजी सिलेक्ट करते हो? अब झूठ मत बोलना। ऑब्वियसली यू सी ना कि बॉयज पीजी कितना पास है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नो, आई एम रियली जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मम्मी पापा ये वीडियो देखेंगे ना तो मेरे देंगे अच्छे से। तो अच्छा, इसलिए इतने सारे पीजी देखने के बाद ये वाला पीजी फाइनल किया था, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, लेट्स डायरेक्टली सी द पीजी। तो अब हम एंटर कर रहे हैं अपने पीजी में, आई विल शो यू। काफ़ी नया पीजी है, इस वजह से काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको लगेगा। यू कैन सी ये सारे चीज़ें अभी तक रूम में सेटल भी नहीं की गई। ये मेन रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर है जहाँ पे भैया बैठते हैं जो कि सारी चीज़ें आपकी देखते हैं। अब यहाँ से आप हेड करोगे लिफ्ट की तरफ। एक काम करती हूँ, पहले मैं आपको बेसमेंट पे ले चलती हूँ जहाँ पे हमारा मेस है, एंड फिर उसके बाद से हम ऊपर चलेंगे। गुड थिंग इज ऑल्सो आपको कैमराज दिख जाएंगे जिसकी वजह से काफ़ी सेफ है। पूरे फ्लोर पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो सेफ्टी की बिल्कुल भी इशू नहीं है। लिफ्ट का एल्गोरिदम ना मैं आज तक समझ नहीं पाई। देखो मैंने कब का बी किया है, अभी तक ये नीचे लेकर नहीं आया। आई एम नॉट श्योर ये कैसे ऊपर नीचे चलता है। ये मैं बींग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये मेरा पहला गोल है कि मैं इसको इस वीकेंड तो पक्का डिकोड करूंगी। तो गाइस लिफ्ट अभी ऊपर है और काफ़ी देर से वो नीचे आ ही नहीं रहा, सो आई थॉट बेसमेंट जस्ट पास ही है, क्यों ना हम बिना लिफ्ट के थ्रू सीढ़ी ही चले जाएं। सो आई एम जस्ट गोइंग एंड आई शो यू द मेस एरिया, एंड यहाँ पे हम खाना खाते हैं। सो गाइस दिस इज अवर मेस। एज यू कैन सी यहाँ पे टेबल चेयर्स लगे हैं जहाँ पे सारी लड़कियाँ बैठती हैं और खाना खाती हैं। यहाँ से आप खाना लेते हो, अभी करेंटली यहाँ पे नाश्ता रखा हुआ है सुबह का, खाना भी थोड़ी देर बाद सर्व करेंगे। ये चाय है, यहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा कुछ गर्म करना चाहो तो माइक्रोवेव में कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कभी थोड़ा बहुत कुक करना चाहो तो वो भी, उसके लिए आपको इन्होंने थोड़े बहुत वेसल्स प्रोवाइड कर रखे हैं और कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी कर सकते हो। तो ये है हमारा पूरा मेस एरिया। द गुड पार्ट इज़ कि मेस के साथ ही आपको पार्किंग एरिया भी मिलता है, तो आप यहाँ पे स्कूटी या साइकिल जो भी आपका है आप लाके पार्क कर सकते हो। एंड सबसे सही चीज़ ये है, रूम में मैगी बनाने का मन हो तो बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त आओ यहाँ से एक दो प्याज चोरी करो या रूम में ले जाओ एंड कट कुट करके बढ़िया मैगी बनाओ। सो आप जैसे देख सकते हो ये ओपन होता है, तो मैंने इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन किया है इसलिए वीडियो में बता रही हूँ। Met two of my hostel mates. So guys, where do you work in right now? I'm working at HP. HP. Yeah. So is it in Balmana? Yeah. Okay. You also in HP? Yeah. And iske pehle were you in any other PG or first time to Bangalore? No, first time. First time. Yeah. Oh, I'm also first time to Bangalore. So aapko yahan pe sabse achhi cheez kya lagti hai? I think staffs are very friendly. Yes. And facilities, that's the main attraction here. Okay. And are you thinking to shift in flat or something? Later not on? Later maybe. Why did you say not now, not now? as a Because things feel fine here. So not thinking about shifting to another place. I think वहाँ जाके खाना कुक करना पड़ेगा। So before moving forward, let me introduce you to Cryo's full stack and back-end development course. One thing I really like about Cryo is that it is a project-based learning. आप project बनाते हो and उसके through आप सीख रहे होते हो। So let's just go and one see कि आप full stack development course में क्या क्या सीख रहे होगे and किस तरह के projects बना रहे होगे। So as you can see, आप start करोगे web developer essentials से, then you will learn how to build an Airbnb static front end, Google News aggregator बना रहे होगे, Netflix OTT आपका back end बना रहे होगे। तो it's lot of good learning you are going to have. If you ask me, क्या क्या technologies पे काम कर रहे होंगे, as you can see Linux, HTML, Git, Bootstrap, JavaScript, React, Node.js, MongoDB, lot and lot of things to learn from here. Similarly, let's see once back-end development course. अब यार
पहली बात ये कि आपको फुल स्टैक और बैकेंड दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए. यू पिक कि आपको किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, फुल स्टैक में है तो वो करो, बैकेंड में है तो वो करो. एंड करना कैसे है उसके लिए मैंने ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड उसके थ्रू आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा होगा. सो नाउ लेट्स सी वंस कि बैकेंड कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे होगे. तो बैकेंड कोर्स में भी आप स्टार्ट करते हो जैसे जावा एसेंशियल से, फिर आप यूआरएल शॉर्टनर बनाना सीखोगे, शॉपिफाई जैसे टूल्स बनाना सीखोगे, स्केलेबल बैकेंड फॉर द स्विगी लाइक ऐप. तो इसमें भी आपकी जो लर्निंग होगी वो काफ़ी सही होने वाली है. अब इनके भी टेक्नोलॉजीज ऐसे ही आप देख सकते हो कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे आप काम कर रहे हो. सो गाइज ये कोर्स रियली वर्थ इट है, आप एक बार करते हो एंड देन यू अंडरस्टैंड कि मतलब आपने इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 months कितनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं. सो यार दैट्स ऑल. इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. लेट्स मूव. थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. थैंक यू. वन ऑफ आवर अदर हॉस्टल मेट्स, व्हाट्स योर नेम? अलीना. एंड फ्रॉम वेयर आर यू ओरिजिनली? केरला. Okay, you're from Kerala. Yeah. So I think you would be loving the food here. It's more of South Indian. Food. Yeah, yes. It's like good. Ask North Indians. They are like, shit, yaar, abhi bahut ho gaya. Idli, uttapam, sambar. I can't eat a lot. College mein bhi aap hostel mein rehte? No. Wo man, tab toh bahut maza aa raha hoga. Yeah. So what different are you feeling jab aap ghar pe rehte the na abhi aap hostel mein? Freedom. Basically freedom. I'm not sure. Agar aapki mummy dekhi to she'll ask what's freedom. So do you go to bahar often or? Yeah, like we can, there is some, in Bangalore life is really different, no? How? Than in Kerala. Like, we can go whenever we want, like night, it's yeah. Not possible in Kerala, so okay. It's like, that's the freedom that I meant, like. Okay, not the other one. got it. Our main bhaiya hai jinhone hume PG di thi. तो भैया आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? मैं यहाँ सिक्स ईयर हो गया. सिक्स ईयर से. अब भैया एक चीज बताओ, इस पीजी का रेंट इतना ज्यादा क्यों बढ़ा के रखा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. अभी बढ़ाया तो नहीं है. बढ़ाया नहीं. नहीं भैया, अगल बगल वाले पीजी तो इससे सस्ते हैं. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बढ़ाया नहीं, जो है यहाँ अच्छा है इसीलिए बढ़ाया गया है. बढ़ाया गया है मतलब मान रहे हो? तो है. कम करने का कोई प्लान है या और बढ़ाओगे? नहीं नहीं, कम करने का कोई प्लान नहीं. मेन भैया है जो यहाँ पे खाना बनाते हैं. जी भैया. भैया आप कहाँ से हो? हम झारखंड से. तो भैया एक बात बताओ, आप हो झारखंड के पर सारा खाना साउथ इंडियन क्यों बनाते हो? साउथ इंडियन यहाँ नॉर्थ ही बनता है, नॉर्थ साउथ दोनों बनते हैं. नहीं भैया, साउथ इंडियन खाना ज्यादा बनता है, उत्तपम, इडली, सांभर. और तो हफ्ते में एक दिन तो सब हर जगह रहता है. जैसे आज आलू पराठा तो साउथ इंडियन नहीं है. हाँ, आलू पराठा नॉर्थ. कल परसों चपाती है, क्या बोलते, मेथी चपाती है, ठीक है, वो भी तो नॉर्थ ही है. पर भैया फिर उपमा भी तो होता है, उत्तपम भी तो होता है. देना तो दोनों पड़ेगा, क्योंकि दोनों घर का आदमी है ना. नहीं अब भैया दिन में तो बस चावल और सांभर बनाते हो. आज तो संडे है, नाइट में चिकन है, पनीर है, इसकी वजह से. नहीं तो भैया आज संडे है ना, पर हमेशा तो आप चावल सांभर नहीं तो फ्राइड राइस बनाते हो? नहीं, वो तो जैसे हर जगह का, जैसे फ्राइड राइस हुआ. हाँ, और कुछ है? ठीक है भैया, थैंक यू भैया. ओवरऑल आप जीत नहीं सकते हो खाने में. साउथ इंडियन खाना थोड़ा ज़्यादा बनता है, बट दैट्स व्हाट बैंगलोर इज ऑल अबाउट. क्योंकि थोड़ा साउथ में पड़ता है तो ऑब्वियसली साउथ इंडियन खाना ज़्यादा बनेगा. बट अब आप इन लोगों से जीत नहीं सकते हो, कहेंगे कि नॉर्थ बनाओ साउथ बनाओ, जो है वही है. जैसा कि उन्होंने बताया कि वो मेन्यू डिसाइड करते ही नहीं. जस्ट फाउंड वन ऑफ आवर अदर हॉस्टल मेट्स. सो गाइस, वुड यू लाइक इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ? हाय, आई एम नीहा. आई एम रंजनी प्रिया. एंड वेयर डू यू गाइस वर्क? आई एम एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज इन बैंगलोर. यू ऑल्सो द सेम प्लेस? ओके, सो दीस गाइस जस्ट शिफ्टेड टू बैंगलोर यस्टरडे, राइट? So first time to Bangalore? Yeah. And are you a software engineer? Yeah. Okay, so when did you join actually your company? Like which year pass out you guys are? 21 pass out. So we joined as intern in Jan. Okay. Last year. Okay. And then we got converted and we got placed here. So it's like 1.5 years. Yeah, one year of like work from home. Yeah. और being a software engineer कैसा लगता है? Like मजा आता है ऐसे computer के सामने बैठे हैं? Seems like कुछ बहुत बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा कुछ feeling आता है? Yeah, sometimes it feels like that. Nice. And what do you guys your parents say? They are proud. So these guys are just leaving. उन्होंने अपना ओला बुक कर दिया. And I think you will feel it pretty much. ये बैंगलोर का ओला उबर एक्सपीरियंस इज प्रीटी बैड. True. Is got rejected after. I think you should try Rapido. थोड़ा सा. Oh, this is the Rapido. Man, ये already बहुत तेज है. Okay, thank you so much, guys. Bye. I don't know Hindi. Oh, she don't know Hindi. Oh, sorry. So from where are you originally? Actually, I'm from Tamil Nadu. Okay, so you don't speak Hindi at all, and you don't even I can't understand it. Oh man. Only Tamil and English. Okay, only Tamil and English. Any other language? Do you know Kannada? Kannada, maybe little bit I can understand. Okay, let's do the third. Okay, nice. We have come to our floor.
फ्लोर एंड ये हमारा फ्लोर है, अगल बगल आपको ऑलरेडी रूम दिख रहा होगा। सबसे सही चीज़ जो है सबसे पहले वो ये फ्रिज है। फ्रिज अभी करेंटली लॉक है क्योंकि इसे हम अपने कबर्ड की से ही अनलॉक करते हैं, बिकॉज एक बार बंदर आ गया था एंड पूरे फ्रिज का सामान उसने निकाल के इधर उधर कर दिया। सो ये है हमारा फ्लोर पूरा। एज यू सी इन्होंने डस्टबिन खुद से आपको प्रोवाइड किए हैं, सो आपको डस्टबिन नहीं लाने हैं। एंड एज वेल एज अगर आप देखोगे तो ये डोरमैट भी आपको पीजी वालों ने ही प्रोवाइड कर रखा है। सो मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। एंड जैसे मैंने बताया था, देखो इस फ्लोर पे भी कैमरा लगा रखा है, मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आप यहाँ से भी अपने फेवरेट स्पॉट को देख सकते हो। आई एम जस्ट जोकिंग। एंड ये देखो, अगर फ्लोर पे ही आरओ लगा रखा है तो हमें नीचे मेस में नहीं जाना पड़ता आरओ के लिए, तो ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल चीज़ है। सो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। दिस इज माई रूम 302। सो नाउ लेट्स डू द टूर। दिस इज माई रूम। एज यू कैन सी काफ़ी स्पेशियस है। ये डबल शेयरिंग रूम है बिकॉज मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ रहती हूँ। सो दैट इज़ वाई यू सी यहाँ पे ये दोनों बेड्स हमने चिपका के एक साथ रखे हैं। बट जब ओरिजिनली आए थे तो इट वॉज नॉट लाइक दैट। लाइक एक बेड यहाँ लगा था, बीच में ड्रॉअर था, फिर एक बेड था एंड देन एक और ड्रॉअर था, ऐसे करके सेटिंग बनाया था। तो आप ड्रॉअर भी देखोगे तो हमने ऑलरेडी मतलब पूरे सामान से फिल कर रखा है, तो मतलब काफ़ी सही है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे हमने अपना बाकी सामान लाइक ऊपर रख रखा है। इसे देख के हंसी आती है तो इसे हटा दो। लाइक खरीद के रखा है, आई एम नॉट श्योर मैंने कितने दिन ही करा होगा। अब यार ये टीवी है जो कि मैं फर्स्ट गई थी तो आई थॉट ये कौन सा ब्रांड है बैरन करके। एंड मैं इसके पहले बहुत सारे पीजीज में गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब उन लोगों ने शोपीस के लिए लगा रखा था। आस्किंग किए चलता है कि नहीं, देवर लाइक कि देखना पड़ेगा। तो मेरे को लगा शायद ये भी नहीं वर्क करेगा, बट एक्चुअली हमारा वाला जो टीवी है वो सही है, वो वर्क करता है। अब आप ये देखोगे यार यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी सारा स्पेस दे रखा है। आई टेल यू, इसके पहले मैं मुंबई में थी एंड इफ यू गाइज हैव नॉट सीन माई मुंबई हाउस, एक बार देख लो। अपने फ्लैट छोटू फ्लैट का दर्शन दे रही हूँ। सो दिस इज वन रूम जो मेरा नहीं है। ये है हमारा किचन, ये रूम मेरा नहीं है। दिस इज द वॉशरूम वी हैव एंड देन दिस इज माई रूम। ये छोटे से रूम में ये मेरा बेड है, ये मेरी फ्रेंड का बेड है। सो 9000 में आपको सिर्फ एक बेड मिलता है यहाँ पे एंड देन आपको ये मस्त बालकनी व्यू मिल रहा होता है जो कि बहुत ही मस्त है। सो जब आप इस वाले घर से यहाँ पे आते हो ना तो मेरे को इनिशियली लग रहा था यार कि मतलब इतना सारा स्पेस मैं करूँगी क्या, क्योंकि यार मुंबई में जनरली बहुत छोटे छोटे घर होते हैं एंड लिटरली मुझे ये रूम काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा। एंड सबसे सही चीज़ जो लग रही थी वो ये विंडो, लाइक बड़ी सी विंडो है, लाइट प्रॉपर आती है, वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, जिस वजह से रूम में मतलब अच्छा एक वाइब बना रहता है टू बी ऑनेस्ट। तो इस वजह से मेरे को तो ये रूम काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने झट से इसको डन कर दिया। अब ये पहुँचे हम अपने टेरेस पे। वॉशिंग मशीन है, सो हियर यू कैन वॉश योर क्लोथ्स एंड इसके बाद से आप यहाँ पे हैंग करो एंड जब सूख जाए तो आप नीचे लेकर जाओ। सो दिस इज हाउ आवर टेरेस एंड उसके आसपास की चीज़ें लुक्स लाइक। गाइस अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अगर कभी भी आप लाइक पीजी या फ्लैट देख रहे हो ना, सबसे पहले बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सो डू मेक श्योर कि आप ऑफिस के बहुत पास रहो, क्योंकि आपको लाइक ओला उबर में लाइक मैं आपको लिटरली बताती हूँ मेरे को यहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होगा मैक्स जाना रहता है एंड उसके लिए आई एंड अप स्पेंडिंग नियर टू 100 रुपीज़ डेली। लाइक अगर आप कैब से जाओगे तो 150 लगेगा, और ऑटो से जाओगे तो 70 लगेगा, पर आपको ऑटो मिलेगी नहीं तो आपको समटाइम्स लाइक नहीं चाहते हुए भी कैब करना ही पड़ेगा। सो सबसे फर्स्ट थिंग, आप बहुत पास रहो अपने ऑफिस के एंड नंबर टू इज़ कि पास में कितना पास लाइक आपके मार्केट है, लाइक आपके मार्केट्स हैं जहाँ पे आपके नेसेसिटी की चीज़ें मिले वो काफ़ी आपके पास होना चाहिए। तो हाँ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप कभी भी ओला फ्लैट या पीजी देख रहे हो तो मेक श्योर आप इनका ध्यान रखना। अब रेंट की बात करनी है तो ऑब्वियसली मैं रूम में चलती हूँ एंड वहीं पर आपको अपना रेंट बता रही हूँ। पीजी का जो मुझे रेंट देना पड़ता है दैट इज 9000 रुपीज। अब यार 9000 रुपीज मुझे सही लगता है बिकॉज मैं यहाँ पे खाना खुद नहीं बनाती, क्लीनिंग खुद नहीं कराती, एवरी वाईफाई मेरा खुद का नहीं है, फ्रिज दे रखा है उन्होंने, उसके अलावा आरओ वगैरह दे रखा है, वॉशिंग मशीन दे रखा है। सो फैसिलिटी वाइज मुझे लगता है फैसिलिटी काफी सारे हैं। जो हमारा रूम है वो भी काफी बड़ा है, स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है। तो ओवरऑल मैं 9000 इस पीजी के लिए पे कर रही हूँ। मैंने और भी पीजीज देखे थे अगल बगल जिनका रेंट थोड़ा से इससे कम था, लाइक 8000 के अराउंड था या
7500 या 8500, पर इसके लिए मैं 9000 दे रही हूँ फॉर टू सीटर। अगर आप इसी पीजी में थ्री सीटर देख रहे होते हो तो वो आपका 8000 के अराउंड आता है, लाइक समवेयर क्लोज टू 8000, 9000 से थोड़ा कम हो जाएगा। वन सीटर आई डोंट थिंक इज अवेलेबल येट इन दिस पीजी। सो हाँ, यही था, मैंने एग्जैक्ट आपको अमाउंट बताया कितना मैं पे कर रही हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।